Assalamualaikum guys, my name is Mohammed Noman और आप देख रहे हैं Electrical Tech। दोस्तों आज मैं आपको बैटरी लेवल कंट्रोलर सर्किट आपको बनाकर दिखाऊंगा कि ये किस तरह बनता है और ये किस तरह काम करता है, इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। दोस्तों जो इस प्रैक्टिकल में हमें चीज़ें चाहिए वो BC547B के 5 ट्रांजिस्टर, 5 LED और 5 AK के रजिस्टर, 10 K के 5 रजिस्टर और वेरिएबल 50 K और 12 वोल्ट की बैटरी हम इसकी चीज़ों की मदद से बैटरी लेवल कंट्रोलर या बैटरी लेवल चेक कर बनाएंगे। दोस्तों आपको चलो मैं वायरिंग करके दिखाता हूँ किस तरह से करनी है आपने वायरिंग। ये पॉजिटिव तार जो है दोस्तों वो तमाम एक एक रेजिस्टरों को दे देनी है और एक एक रेजिस्टरों को LED के एक पॉइंट के साथ अटैच कर देना है। और दूसरा जो LED का पॉइंट है उसको ट्रांजिस्टर 547 के कलेक्टर पॉइंट के साथ लगा देना है तमाम LEDs के दूसरे वाले पॉइंट को। और जो बेस है वो हम ये जो 10 के का रजिस्टर है इसके साथ अटैच करनी है बेस को। और जो ये हमारा अमीटर है इसको बेस के साथ लगा दें इस वाले को, इसके साथ ट्रांजिस्टर की बेस को कलेक्टर को बेस में इस तरह से लगा दें, ठीक है। और जो ये 10 के हैं दूसरे वाले रजिस्टर के पॉइंट हैं इन सबको आपस में मिलाकर ये लास्ट वाला जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसके मीटर के साथ अटैच कर दें। सॉरी इस को ये आपका जो वेरिएबल है इसके दरमियान वाले पॉइंट के साथ और इसके मीटर को वेरिएबल के ये पहले वाले पॉइंट के साथ इसके साथ लगा देना दोस्तों। और ये नेगेटिव है वो मीटर वाले पॉइंट पे, इस तरह से ये हमारा सर्किट मुकम्मल हो गया। देखो मुकम्मल है, जब हम वेरिएबल को पीछे की तरफ लाते हैं तो हमारा ये देखो दोस्तों ये 20%, 40, 60, 80 और 100% की LED मैंने लगाई है। ये 20, अब ये 40%, 60%, 80% और ये 100% बैटरी चार्ज, ठीक है। ये हमारा सर्किट बता रहा है कि ये बैटरी 100% बैटरी चार्ज है। जब हाँ ये कम होगी तो ऑटो ही ये लाइटें कम होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, ये दो ये एरिया ये बैटरी चार्ज हो रही है। और ये इस तरह से ये दोस्तों सर्किट आपने बनाना है। दोस्तों आपको इस सर्किट की समझ ना लगी हो तो आप नीचे कमेंट में मुझे सवाल कर सकते हैं, मैं इसका आंसर आपको दूंगा। आपको मजीद इलेक्ट्रिकल
या इलेक्ट्रॉनिक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।